अपने पास आज पांच बलिनो है, पांच बलिनो एक तो यहाँ पे बेस्ट टू टॉप हो रहा है और चार गाड़ी जो है बलिनो न्यू 2022 23 मॉडल जो पार्किंग में खड़ी है उसमें फुल काम हो रहा है। चलो बिल्कुल बेस मॉडल हमारे भैया लेके आए थे। भैया कैसा काम चल रहा है अभी? एकदम बढ़िया काम चल रहा है, मजेदार चल रहा है। व्लॉग देख के आए थे? जी जी बिल्कुल। चलो तो भाई फोल्ड जैसे लॉक में लॉक हो गया, अब मैं गाड़ी को अनलॉक करूंगा तो अनफोल्ड हो जाएगा। ये देखो भाई ओरिजिनल है, इसमें हाथ कटने का सवाल पैदा ही नहीं हो सकता। बिल्कुल हाथ इसमें नहीं कर सकता क्योंकि ये जेन्युइन है। अब मैं जुगाड़ वाला कोई काम हमारा सवाल पैदा ही नहीं हो सकता है। मैं जुगाड़ वाले काम कार कस्टम अल्टीमेट पे हूँ, सवाल पैदा नहीं हो सकता क्योंकि जेन्युइन काम करता हूँ, जेन्युइन चीज लगाता हूँ। तो गाइस आज हम लोग वंस अगेन आए कार कस्टम अल्टीमेट किंग ऑफ ऑल कार और हमारे सामने राकेश जिया। राकेश जिया कैसे हो? बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट फिट और सुपर हिट में हूँ बिल्कुल। तो राकेश जिया आज बलिनो पे अच्छा खासा प्यार सपोर्ट आ रहा है तो बलिनो दिखा रहे हैं। बिल्कुल ताबड़तोड़, बिल्कुल ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स आ रहा है और अपने पास आज पांच बलिनो है, पांच बलिनो तो यहाँ पे बेस्ट टू टॉप हो रहा है और चार गाड़ी जो है बलिनो न्यू 2022 23 मॉडल जो पार्किंग में खड़ी है उसमें फुल काम हो रहा है। चलो तो राकेश जी ये बिल्कुल अपना सिग्मा वेरिएंट था, सिग्मा है जिसमें देखिए ORVM यहाँ पे लगाया गया है। ORVM के साथ यहाँ पे इसको हटा के पेंट लगाया जाएगा अभी। उसके बाद यहाँ पे काम चालू, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट ग्रिल वगैरह। ये देखो टोटल फोगलाइट नहीं लगवाया सर ने, फोगलाइट अगली बार लगवाएंगे और यहाँ पे ऑटो फोल्ड वगैरह लग गया, लोअर गार्डेस लग गया। ये देखो अभी पूरा साइड फिटिंग का काम होने वाला है, दरवाजे का काम, यहाँ दरवाजे रखा है। यहाँ पे आपको दिखा दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा अपना जेन्युइन मारुति का जेन्युइन पार्ट यहाँ पे अभी लगना बाकी है जो देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल रहने वाला है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे पार्ट नंबर वगैरह सब मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको यही मिल जाएगा, ये देखिए MGA मारुति जेन्युइन एसेसरी। तो पूरा जेन्युइन सामान इसके अंदर लग रहा है और पूरा काम चालू है। जैसे ही पूरा फिनिशिंग हो जाता है, काम का कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा सेटअप होगा, पूरा दिखाया जाएगा। राकेश जी आज मैग्नाइट कितनी है? मैग्नाइट आज तो बलिनो पांच है और मैग्नाइट आज अपने पास है आठ गाड़ी मैग्नाइट है और भी चार आने वाला था लेकिन लड़का ज्यादा नहीं है, एक दो लड़के छुट्टी वाला था इस वजह से आज बाकी को मना कर दिया गया, बाकी को कल बुलाया जाएगा। चलो तो वही देखो अभी ना ये फुल मॉडिफाइड हो गई, स्टेयरिंग पूरा रिप्लेस कर दिया गया अपना टॉप मॉडल अल्फा वाला। ये देखो पूरा, ये नहीं कि उसी में कंट्रोल लगा दिया गया, पूरा टॉप मॉडल वाला स्टेयरिंग लगा है, स्टीरियो लगा है, सीट कवर पूरा लोडेड अपने ऑल ब्लैक। तो अभी मॉडिफिकेशन चल ही रही है, एक बार कंप्लीट हो जाए जब तक पार्किंग दिखाते हैं, फिर उसके बाद पूरा सेटअप दिखाया जाएगा क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है। तो पूरा जो भी हुआ है मारुति जेन्युइन एसेसरी लग रहा है, और निशान की बात करें तो निशान का जेन्युइन पार्ट्स लग रहा है। तो अपने पास जितना भी पार्किंग में करी है सबका एक बार मैं फिनिशिंग होगा सबको ये चेक करवाऊंगा और एक चेक जेन्युइन पार्ट्स का हर एक चीज। चलो तो गाइस ये वाली मैग्नेट देखो पूरा अपना RJ45 है तो यहाँ से आई है। तो बाकी बलिनो जो पार्किंग में खड़ी है मैं एक बार वो भी आपको पूरा लाइनअप दिखाता हूँ। तो गाइस हम लोग यहाँ पार्किंग में आए थे जहाँ पे हमारी बलिनो खड़ी है, पूरा तीन चार बलिनो का सेटअप है। एक ये रही भाई अपनी और एक भाई सबसे पीछे खड़े, वही मैं आप लोग को शूट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे भी फ्लोरिंग का काम चल रहा है पूरा क्रोकोडाइल का, विपिन भाई कर रहा है हमारा पानवन। विपिन भाई कैसा है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है पूरा, बहुत मजा। आज तो बलिनो ही बलिनो है। चलो तो भाई बलिनो में कर रहा आज विपिन। अभी पूरा इसके बाद सीट कवर भी लगना है, उसके बाद फ्लोरिंग के बाद सीट कवर लगेगा अभी। ठीक है तो अभी पहले फ्लोरिंग हो जाए बढ़िया से, उसके बाद सीट कवर लगाते हैं। चलो तो भाई देख लो भाई क्रोकोडाइल फ्लोरिंग देख लो, पूरी एस्टोर फिटिंग देख लो भाई, ये देखो क्रोकोडाइल फ्लोरिंग का मजा ही अलग होता है। और ये बिल्कुल बेस मॉडल हमारे भैया लेके आए थे। भैया कैसा काम चल रहा है अभी? एकदम बढ़िया काम चल रहा है, मजेदार चल रहा है। व्लॉग देख के आए थे? जी जी बिल्कुल। चलो तो भाई ये देखो अभी काम चल रहा है, एक बार कंप्लीट हो जाए फिर भैया और उससे रिव्यू लेंगे। और अभी वाली बलिनो में भी काम चल रहा है और एक बलिनो और है गाइस, वही मैं आप लोग को दिखा दूं। बाकी मैग्नाइट का तो काफिला यहाँ मिलता ही है। सो गाइस ये है हमारी फोर्थ बलिनो जिसमें मॉडिफिकेशन चल रहा है और ये भी हमारे भाई रोहिणी से आए हैं, काम चल रहा है इसमें। तो यहाँ पे हमारा काका भाई काम कर रहा है, बजरंगी भाई। काका भाई क्या क्या कर रहा है इसमें अभी? इसमें ग्रिल चेंज हो रहा है, हाँ अंदर सिस्टम लग रहा है, हाँ स्पीकर लग रहा है, ठीक है कैमरा लगा है, ठीक है अभी है मतलब मॉडिफिकेशन इसमें अच्छी खासी है। तो गाइस अभी चल रहा है इसमें काम, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। तो बिल्कुल बेस मॉडल है, सिर्फ सिग्मा ही आई यार। JBL का यहाँ पे स्पीकर लग रहा है पूरा अपना 450 वॉट का, देखो भाई 450 वॉट का। और इसमें भाई अब स्टीरो लगना, एमट्रेक्स का फ्रेम आ चुका है अपना ग्लॉस ब्लैक का। तो ये भी एक बार हो जाए, देखो भाई बिल्कुल ही सिग्मा है, स्टीयरिंग पूरा चेंज होगा इसमें। तो एक बार हो जाए कंप्लीट सीट कवर का कंप्लीट, फिर मैं आपको डिटेल। फाइनली बलिनो की मॉडिफिकेशन काम टोटली कंप्लीट हो चुका है और आगे से टोटली अपनी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल बेस सिग्मा मॉडल था, इसको हम बना दिए बिल्कुल टॉप मॉडल, ठीक है अल्फा, जिसके अंदर आप अल्फा के अंदर जो भी फीचर्स आते हैं हमने पूरा टॉप बना दिया, बिल्कुल अल्फा कर दिया। स्टीयरिंग से लेकर के साइड मिरर से लेकर के फ्रंट ग्रिल से लेकर के पूरा सिस्टम,
इंडोर सिस्टम हो गया, पियानो ब्लैक फ्रेम हो गया, टोटली क्रोकोडाइल फ्लोरिंग से लेकर सीट कवर से लेकर के टोटली ए टू जेड इसके अंदर हम इंस्टॉल कर दिया है, बिल्कुल मारुति का जेन्युइन पार्ट्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे भी आप शेयर कर लेते क्या क्या चीज यहाँ पे अपडेट करा गया। तो ये पूरा अपना हैलोजन का सेटअप आता था, उसको एलईडी में रिप्लेस कर दिया, एलईडी लगा दिया गया इसके अंदर, देख सकते हैं आप। और नीचे जो यहाँ पे फॉग लाइट का जगह है, तो फॉग लाइट सर अभी नहीं लगवाएंगे, लगवाएंगे नेक्स्ट जब अगली बार आएंगे तब लगवाएंगे। अभी थोड़ा सा इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि थोड़ा सा अभी फॉग का भी टाइम नहीं है, जब थोड़ा सा फॉग का टाइम आएगा तो फॉग लाइट लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ग्रिल, ग्रिल का अपडेट किया है, यहाँ पे ग्रिल है, यहाँ पे ग्रिल लगा दिया टॉप मॉडल वाला, ठीक है। ये सिग्मा के अंदर ये ग्रिल आता नहीं है क्योंकि सिग्मा के अंदर होता है ब्लैक, तो उसके बाद ये ब्लैक हटा करके टॉप मॉडल वाला यहाँ पे ग्रिल लगा दिया। तो इसके अंदर जो सिस्टम लगा है फ्रंट और रियर सिस्टम के अंदर, इस गाड़ी में जो सिस्टम लगा है T5 प्रोसेसर है, उसके अंदर T5 प्रोसेसर में क्या है 360 कैमरा भी आप लगवा सकते हैं, बिल्कुल 360 का सपोर्ट उसमें दे रखा है। उसके बाद 360 आप नहीं लगवाते हैं तो फ्रंट एंड रियर रिकॉर्डिंग कैमरा आप इसके अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो भाई, ये देखिए फ्रंट का, ये एंड्रॉइड के साथ अटैचमेंट है, T5 प्रोसेसर है उसके साथ अटैच है, ठीक है। जैसे आप गाड़ी चला रहे फ्रंट का चाहे तो फ्रंट का, रियर का चाहे तो रियर का, एक साथ आप वीडियो इसका वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, और रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। चलो भाई बढ़िया चीज है। तो ये अपडेट की गई, व्हील कवर सर का लगा हुआ था बट हमारे पास एलॉयज वाले काफी डिजाइन अवेलेबल है। बिल्कुल, ये जो व्हील कवर लगा हुआ था ये सर कंपनी से ही लगवा लिए थे, कुछ कुछ सामान कंपनी वाले ने सर को दे दिया था, कुछ कुछ ये नहीं सब नहीं, एक पार्सल ट्रे एक व्हील कवर, उसके बाद टोटली आइटम हमने लगाया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो फोल्ड मिरर लगा, ऑटो फोल्ड मिरर, ठीक है भाई। वर्किंग भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को गाइस, मैं जैसे ही यहाँ से की निकालूंगा और यहाँ से राकेश जब अपने हाथ से लॉक करो, जैसे आप देख सकते हैं ये रिमोट है, ठीक है, इसे सेंटर लॉक लग के आता है, ठीक है, और ये हमने किया है जैसे गाड़ी लॉक, तो ये देखो ये बंद मिरर फोल्ड हो गया, इंडिकेटर ब्लिंक हो गया, यहाँ पे जो इंडिकेटर आता है ये इंडिकेटर हटा दिया हमने क्योंकि इंडिकेटर आ गया है ऑटो फोल्ड मिरर के अंदर यहाँ पे, और यहाँ का इंडिकेटर हटा करके यहाँ पे जी ड्राइव का GFX ब्रांड, ठीक है, का बेंट लगा दिया है, जैसे आप देख सकते हैं क्रोम के अंदर है, इसके अंदर कभी भी रस्ट वगैरह नहीं पकड़ेगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कंपनी का है, पूरा गारंटी है, ठीक है। ऑटो फोल्ड जैसे लॉक में लॉक हो गया, अब मैं गाड़ी को अनलॉक करूंगा तो अनफोल्ड हो जाएगा, ये देखो भाई, ठीक है। तो बिल्कुल ये जेन्युइन मारुति का जेन्युइन पार्ट्स है, ये नहीं लोकल है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी लगाया गया मारुति का जेन्युइन पार्ट्स लगाया गया, ठीक है। उसके बाद सर को ये डोर वाइजर था क्रोम में नहीं चाहिए था, ठीक है, क्रोम में नहीं चाहिए था, हमने पूरा ब्लैक लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर गाड़ी से आप देख सकते हैं जो बेस मॉडल सिग्मा में नहीं आता है, डेल्टा में भी नहीं आता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर गाड़ी पूरा पीछे तक टॉप मॉडल वाला इसके अंदर हमने लगा दिया है। और ये जो लोअर गार्निश लगा है ना, एक तो लोकल आता है एक ओरिजिनल आता है, ये ओरिजिनल है, इसमें हाथ कटने का सवाल पैदा ही नहीं हो सकता, हाथ इसमें नहीं कर सकता क्योंकि ये जेन्युइन है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट फिटिंग है इसका, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल, हैंडल क्रोम, बिल्कुल ये जेन्युइन है, इस एक साल की प्रॉपर गारंटी है इसका, एक साल में कुछ भी इसके अंदर रस्ट जो है जंग कुछ भी पकड़ता है तो मैं रिप्लेस करके आपको दूसरा लगा करके दूंगा, ₹1 एक चोरनी भी चार्ज नहीं करूंगा, अरे वाह मजा, एक चोरनी भी चार्ज नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं छोटा छोटे से डोर गार्ड है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटे पैकेट और बड़ा धमाका कह सकते हैं इसको, जैसे कहीं पे दीवार विवार के साइड में गाड़ी खड़ी है तो आप दरवाजा एकदम से खोल देते, जैसे अनलॉक करके दरवाजा एकदम से खोलते हैं तो कोने पे लगता है, यही बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे लगा दिया ताकि अगर कहीं पे लगता हो तो यहाँ पे डोर गार्ड पे लगे, आपके गाड़ी का पेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो ठीक है। उसके बाद मैं नीचे दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पे पूरा गार्निश क्रोम वाला है, ठीक है, ये देख सकते हैं आगे जो डोर में है पूरा सिंगल क्रोम आता है, जो पीछे डोर में लगा होता है या फिर सेंटर में ब्लैक आता है, ये भी मारुति का जेन्युइन पार्ट्स है, MGP, ठीक है, मारुति जेन्युइन पार्ट्स, ठीक है, पूरा जेन्युइन पार्ट्स लगाया हमने, ठीक है। और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे शार्क पर एंट्री लगा दिया गया, ब्लू गाड़ी है, गाड़ी का कलर ब्लू है और हमने लगाया इसके अंदर पियानो ब्लैक लगाया, जो आप देख सकते कितना बढ़िया और लुक एनहेंस कर रहा है, मिरर से कलर मैच, बिल्कुल बिल्कुल मिरर से कलर मैच हो रहा है, मिरर पे भी पियानो ब्लैक है और ये भी पियानो ब्लैक है, चलो ठीक है। उसके पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए ये स्पॉइलर पूरा अपना, ये रियर स्पॉइलर से हम कहते हैं मारुति का जेन्युइन पार्ट से पूरा नट के साथ ये फिटिंग हुआ है, एक तो चिपकाने वाला होता है वो हम नहीं चिपकाते, हम लगाते हैं मारुति का जेन्युइन पार्ट
जो होता है ड्रिल करके लगता है इसमें आपको। अब कई आदमी सोचते हैं, कई आदमी सोचते हैं अगर ड्रिल करके हमने लगाया है इसके अंदर कोई लगाया है तो इसमें पानी जाने का डर हो, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर हम जो ड्रिल करते हैं और सिलिकॉन के साथ पेस्टिंग भी करते हैं उस जगह को जहाँ पे हम ड्रिल करते हैं और नट भी टाइट करते हैं, तो पानी जाने का सवाल पैदा नहीं हो सकता है, दिक्कत आने का सवाल पैदा नहीं हो सकता, पैदा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक्स पूरा रिफ्लेक्टर मैट्रिक्स लगाया हमने, ठीक है, ठीक है। एक साल की प्रॉपर गारंटी रहने वाला है, एक साल के अंदर कुछ भी दिक्कत आएगा ना चेंज करके दूंगा, एक चोर नहीं एक रुपए भी चार्ज नहीं। राकेश भाई ये दूसरी वाली बलिनो भी आ गई पार्किंग से मॉडिफाइड हो गए, इसमें भी मॉडिफाई हो गया है, बस कुछ कुछ काम बचा है जो यहाँ पे शिवम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमने डिक्की लाइट लगाई, यहाँ से डिक्की लाइट अब ये बंद हो गया, गाड़ी लॉक हो चुका है, अब मैं अनलॉक करूंगा तो जल जाएगा, देखो जल गया सिस्टम, ठीक है। अब मैं जुगाड़ वाला कोई काम सवाल पैदा नहीं हो सकता है, जुगाड़ वाले काम कार कस्टम अल्टीमेट पे हो सवाल पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि जेन्युइन काम करता हूँ, जेन्युइन चीज लगाता हूँ, हर एक चीज जेन्युइन करता हूँ, ठीक है। अब इंटीरियर दिखाया जाएगा, बिल्कुल। अब देखो लॉक करूंगा, देखो लॉक हो गया, बंद हो गया, अब अनलॉक करूंगा खुल जाएगा, खुल जाएगा भाई, बढ़िया चीज, ठीक है। तो बढ़िया चीज है, जैसे आप गाड़ी अंधेरे वगैरह कहीं पे आप खड़ी करते हैं तो डिक्की वगैरह सामान निकालते हैं, तो आप जैसे ही अनलॉक करेंगे तो खुल जाएगा, उसके बाद आप सामान वगैरह निकालिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात। चलो अब चलते हैं इंटीरियर के अंदर, इंटीरियर में हमने क्या धमाका किया, चलो तो इंटीरियर दिखा दो गाइस। सो गाइस ये हमारी बलिनो का कुछ इंटीरियर रहने वाला है, और भाई ये देखो आप लोग देख के ये नहीं कह पाओगे कि बेस मॉडल का, क्योंकि यहाँ पे आप लोग होता है पूरा ब्लैक आता है, तो इसको पूरा भाई क्रोम कर दिया गया, यहाँ पे स्विच नहीं आता, ये पूरा पैकेज आता है, तो इसको भाई पूरा प्रॉपरली तरीके से स्विच के साथ लगा दिया, क्योंकि भाई यहाँ पे लगा ऑटो फोल्ड मिरर, तो ये जैसे स्विच भाई प्रेस करेंगे मिरर हो जाएगा हमारा फोल्ड, और इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो भाई ये मिरर अपने आप ओपन भी हो जाएगा, एडजस्टिंग भी आप लोग पूरा कर सकते हो राइट पे, तो देखो भाई पूरा राइट का एडजस्टिंग हो जाएगा देखो, और भाई जहाँ नीचे ऊपर आपको जहाँ एडजस्ट करना भाई वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा पूरा, तो ये पूरा अपडेट कर जाएगा। इंटीरियर भी भाई काफी ज्यादा प्यारा बनाया गया, राकेश जी पूरा अल्टीमेट लेवल का हो चुका है अपना पूरा अंदर, बिल्कुल अल्टीमेट लेवल का हो चुका है, जो आप देख सकते हैं अंदर से इंटीरियर हो गया, ओरिजिनल आर्मरेस्ट हो गया, ये देखो भाई ये ओईएम स्टीयरिंग कवर हो गया, ये टॉप मॉडल में लग के आता है, ओईएम स्टीयरिंग कवर हो गया, उसके बाद गियर नोब हो गया, ठीक है। उसके बाद ट्विटर का जो सैश होता है वो देख सकते हैं, जहाँ पे ऑटो को लटा करके वहाँ पे हमने ट्विटर लगाया, मतलब ये वो वाला कटिंग वटिंग करके बोला नहीं है सर को, कुछ कटिंग वाला बोला नहीं चाहिए था, बोला मुझे ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल मिलेगा तो मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, सब कुछ ओरिजिनल लगाया, बिल्कुल ओरिजिनल लगाया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पियानो ब्लैक के अंदर पूरा सेट लगाया गया, जो 432 रहने वाला है, विद एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो, ठीक है, और बिल्कुल परफेक्ट फिट और सुपर हिट कर दिया, ठीक है, परफेक्ट फिट और सुपर हिट, ओरिजिनल आर्मरेस्ट देख सकते हैं, ये स्लाइडिंग वाला है, यहाँ पे आप खोल सकते हैं अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं, पर्स वगैरह रख सकते हैं, और काफी जो यहाँ पे देख सकते हैं क्रोकोडाइल फ्लोरिंग हुआ है, ये देखो भाई जो जो काम किया गया इसमें बिल्कुल अल्टीमेट लेवल का किया गया, ठीक है, बिल्कुल अल्टीमेट लेवल जिसका कहते तोड़ नहीं है, ठीक है, ठीक है। और सीट कवर से लेकर हर एक चीज तक सबकी गारंटी है, सीट कवर की 10 साल की, एंड्रॉइड की 2 साल की, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल का कभी खराबी नहीं होगा, इस चीज की गारंटी है। अरे आइए आराम से काम करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस मैं अंदर बैठता हूँ, ये देखो स्टीयरिंग कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है अपना पूरा क्रूज वाला, और जिस दिन क्रूज एक्टिवेट हो गया आपका भाई यहीं पे एक्टिवेट हो जाएगा। बटन्स देखो ये पूरे ना लाइट वाले टॉप मॉडल की तरह, ये ऑफ करेंगे तो भाई देखो लाइट्स ऑफ हो गई, ये ऑन करेंगे तो भाई लाइट्स ऑन गए, देखो बिल्कुल जैसे टॉप मॉडल में होता है। ये नहीं कि सिर्फ हमने स्टेयरिंग लगा दिया और ये वर्क नहीं करेगा अपना, और ये सारा भाई लेफ्ट साइड का पूरा वर्क करेगा, ये तीनों वर्क करेगा, ये पूरा वर्क करेगा। क्रूज बेस मॉडल से नहीं आता तो ये भी आपका वर्क नहीं करेगा, बट लुक के लिए बहुत अच्छा लगता है भाई। और सबसे बढ़िया बात भाई, जब टॉप मॉडल का स्टेयरिंग कवर स्टेयरिंग लगाते हैं ना पूरा रिमूव करके, और ये पूरा रिमूव वाला आइटम लगाते हैं, तो उसमें भाई ये सिल्वर आपको टॉप मॉडल की तरह मिल जाता है। देखो डीपली देखो भाई फिट एंड फिनिशिंग, और ये पूरा स्टिच आप लोग को मिल जाता भाई, ये देखो यार इसका लेवल देखो यार कितना ही ज्यादा। आप लोग को कैसी लगी है बलिनो, या आप लोग ही प्लान करें डू कॉन्टेक्ट कार कस्टम अल्टीमेट।